तो जिता देते हैं लेकिन उधर आप जाके हार जाते हो। यही बात आप हमसे कहते थे, हमारे दिल को भी ये बात लग जाती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी प्रचार, क्यों ना अपना प्रचार हम रेहरा बाजार से शुरू करें और रेहरा ब्लॉक से शुरू करें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो प्रचार सबसे सख्त जमीन रेहरा बाजार से शुरू किया, रेहरा ब्लॉक से शुरू किया और आज हम आपके बीच में आए हैं। आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि वो जो शिकायत आप कहते थे कि डॉक्टर मन्नान हम आपको उतरोला से तो जिता देते हैं, गिरसा तो जिता देते हैं, महुआ से तो जिता देते हैं, कुरम से तो जिता देते हैं, बौनियाद से तो जिता देते हैं, रमापुर से तो जिता देते हैं, धुसवा से तो जिता देते हैं, लेकिन कुआना उस पार आप जाके हार जाते हो। आज अल्लाह का शुक्र है सबके हाथ में मोबाइल है, फोन करके मालूम कर लो। आज आपका भाई, आपका बेटा रेहरा ब्लॉक से भारी मोहम्मद से जीत के आ रहा है, ना हो तो फोन लगा के मालूम कर लो। सबके हाथ में मोबाइल है। मैं आज के दौर में कोई झूठ बोल के निकल नहीं सकता। आप नवादा फोन कर लो, आप दतलूपुर कर दो, आप दतलूपुर फोन कर लो, आप दतौली फोन कर लो, आप अबरीडीह फोन कर लो, आप खरका मासूमपुर फोन कर लो, आप सादुल्ला नगर फोन कर लो, अगर ना एक तरफ से बता दिया जाए कि डॉक्टर मन्ना नंबर वन पर है और धीरू और बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। आज कुछ लोग हैं कि रगे गुल से बुलबुल के पर बांटते हैं, बैठे हुए हैं काजू किशमिश खिला रहे हैं, किसको? कांग्रेस के प्रत्याशी को। अगर तफरी में खिला रहे हो काजू किशमिश तब तो ठीक है, अगर सीरियसली खिला रहे हो तो याद रखना कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जो काजू किशमिश खिला रहे हो वो काजू किशमिश नहीं खिला रहे हो बल्कि कौम के जड़ में दही डाल रहे हो। क्योंकि आज गोंडा पार्लियामेंट में कब्जा राजा मनकापुर का, बाबू साहब का, और उतरोला विधानसभा में भी कब्जा हो जाए बाबू साहब का तो दाढ़ी और टोपी लगा के डमरू बजाओगे क्या? ओ तुम्हारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 6000 वोट बाबू साहब तुम्हारा है, ठाकुर साहब तुम्हारा है, 2500-2.5 लाख वोट हमारा है। और इस 2.5 लाख को वोट को कुछ बड़े लोग अपने दरवाजों पर बिठा के, अपने कोठियों पर बिठा के ये 2.5 लाख वोट बाबू साहब के कदमों में डाल देना चाहते हैं। होशियार रहना इन लोगों से। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत नहीं बोलना चाहता हूं, बहुत बोलना नहीं चाहता, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ये झंडा, ये चुनाव निशान जो मैं आपके बीच में लेके आया हूं, ये झंडा, ये चुनाव निशान मेरा नहीं है, ये झंडा, ये चुनाव निशान अख्तरुल ईमान का नहीं है, ये झंडा, ये चुनाव निशान असुद्दीन ओवैसी का नहीं है, बल्कि ये झंडा, ये चुनाव निशान आपका चुनाव निशान है। ये झंडा, ये चुनाव निशान आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ये झंडा, ये चुनाव निशान आपकी कौम की अमानत है, ये झंडा, ये चुनाव निशान आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की जमानत है। इसलिए इस झंडे और चुनाव निशान को अपने कलेजे से लगाए रखना और आने वाले 3 तारीख को पतन चुनाव निशान पे बटन देना, इंशाल्लाह फतह तुम्हारी हो। क्योंकि आज मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने उन सारे कैंडिडेट को, आपने भी दिल में पाल रखा था मैं जानता हूं, कि समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, आपने भी दिल में पाल रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए करोगे क्या? जितने भी लोगों ने खून पसीना बहाया उनका सबका टिकट काट के एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जिसके बारे में सब जानते थे कि टिकट पा जाएगा तो हार जाएगा। तो चंद सिक्के के बदले में, चंद रुपयों के बदले में अखिलेश यादव तुमने अपना ईमान बेच दिया, अपना झंडा बेच दिया, अपने कैंडिडेट को बेच दिया। और तुमने क्या जो कैंडिडेट भेजा है हसीब खान को, उसको जीतने के लिए भेजा है या हारने के लिए भेजा बताओ? तो जब अखिलेश यादव ही चाहता है कि कैंडिडेट जाके दफन हो जाए ना जीते, तो हमारे ऊपर कंधे पे क्या जिम्मेदारी? हाँ, एक बात याद रखना कि आज जो समीकरण है, तीन तरफ, एक तरफ धीरू है, दूसरी तरफ राम प्रताप वर्मा है, तीसरी तरफ राम प्रताप पहलवान है, चौथी तरफ हसीब खान है जिसको दुनिया जानती है चुनाव नहीं जीत सकता। तो फिर कहां कंफ्यूजन है? उठो जिस तरह से उठे थे 2012 में,
उठाओ कुड़ाऊ के लोगों, उठाओ बौढ़ियार के लोगों, उठाओ महुआ के लोगों, फिर से झंडा संभालो। इंशाअल्लाह फतेह तुम्हारी होगी, क्योंकि जहां से तुम हारे थे वहीं तुम जीत रहे, वहीं से आप जीत रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप वोट नहीं बिखरना चाहिए, वोट नहीं बिखरना चाहिए। फैसला है, फौजें आमने सामने है, एक तरफ फूल है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। फैसला इसमें आपको करना है कि आपको बीजेपी को जिताना है या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताना है। अगर बीजेपी को हराना है तो बटन चुनाव निशान पे बटन दबाना, अगर बीजेपी को जिताना है तो चाहे कांग्रेस पे बटन दबा देना, चाहे साइकिल पे बटन दबा देना, चाहे फूल पे बटन दबा देना, वो सारा काम एक ही है, एक ही है। गुनहगार सब बनोगे, जिसने पंजे पर चुनाव निशान डाला बटन दबाया वो भी गुनहगार होगा, जिसने साइकिल चुनाव निशान पर बटन दबाया वो भी उतना ही गुनहगार होगा, जिसने फूल चुनाव निशान पर बटन दबाया वो भी उतना ही गुनहगार होगा। क्योंकि हम जीतेंगे तो क्या हम योगी आदित्यनाथ को समर्थन करेंगे? आप बताओ भाई, हमारे लिए तो पार्टी हराम है, हम हराम को अपने गले से नहीं उतार सकते। लेकिन जिस कांग्रेस प्रत्याशी को बाबू लोग बिठाते हैं अपने दरवाजे पर, उसका हाल क्या होगा? एक पंकज सिंह है, यहां रेहरा ब्लॉक प्रमुख थे, बड़ा घूम रहे थे बाबू साहब के साथ, आए बृजभूषण सिंह, बोले अरे पंकज इधर आओ, क्या बात है, हेलीकॉप्टर में भरा लेके जाने कहां उड़ गया। इसी तरह से अगर तुमने कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता दिया, बीरभूषण शरण सिंह आएंगे अपने हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे, सोनिया को लात मारेंगे, सीधे योगी बाबा के दरबार में जाके हाजिर हो जाएंगे। तो गुनहगार होगे जो कांग्रेस को वोट दोगे, उस वक्त तुम्हारा जमीर मलामत करेगा, उस वक्त तुम याद करना ना करना लाल को। अल्लाह का शुक्र है कि मिलो पता नहीं नसीबन के यार का, न लड़ाई में कांग्रेस है न लड़ाई में समाजवादी है, समाजवादी तो लड़ ही नहीं रही है, लड़ रही है जनवादी। तो जी साथियों दोस्तों, आज फैसला करना है तुम्हें। अगर तुम पदक चुनाव निशान पे बटन दबाते हो तो इसका मतलब आप बीजेपी को हराना चाहते हो, अगर आप कहीं और बटन दबाते हो, पंजे पे दबाते हो या साइकिल पे दबाते हो या कमल पे जिताते हो दबाते हो तो आप भाजपा को जिताना चाहते हो। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन खास करके हमारे कुछ रिश्तेदार हैं यहीं आसपास होंगे, उनको बता देना कि गरीब तो साथ खड़ा हुआ है, अब महमूदुल भाई कहाँ है? अब कहे तो सारे रिश्तेदार सुधर जाए, सब यही कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को संभालो। तो याद रखना कि आप हमें अपना मानो या ना मानो, दुनिया आपका हमें मान रही है, दुनिया हमें आपका मान रही है, इसलिए सब लोग फैल जाओ, आज से जिम्मेदारी ले लो। डॉक्टर मन्नान जितना हो सका उतना चला, जितना हो सका उतना झंडा लेके बढ़ा, जितना हो सका था साल भर से हमने जमीन पे एरिया रगड़ी, लेकिन अब आज हमारे पास का अकेले नहीं है। हर आदमी असुद्दीन ओवैसी बन जाओ, हर आदमी डॉक्टर मन्नान बन जाओ, इंशाल्लाह फतेह आपका मुकद्दर है। जितने लोग खड़े हो यही अगर पूरे विधानसभा में फैल जाओ, इंशाल्लाह जीत तुम्हारी होगी। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।